अब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में ग्रे टू बाइनरी कोड कैसे करेंगे, ग्रे कोड को हम ग्रे कोड को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, बाइनरी कोड में, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे, पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कैसे करते हैं, और इस वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी कोड को, एक ग्रे कोड को बाइनरी कोड में कैसे करते हैं। सिमिलर इसमें भी वही कॉन्सेप्ट रहेगा। मान लीजिए हम ग्रे कोड लिखते हैं G3, G2, G1, G0, ठीक है, और बाइनरी में हमको करना है तो जो MSB होता है ना, MSB को उसी तरह लिखिए B3, यहाँ पे B3 नाम दे देंगे, जैसे 1 देगा तो 1 ही लिख देंगे MSB को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये B3 जो रिजल्ट आया ना, और जो मेरा ये है नेक्स्ट जो है G2 है, B3 और G2 का हम यहाँ पर XOR लिखेंगे, और जो रिजल्ट होगा वो मेरा B2 हो जाएगा। सिमिलरली जो B2 और G1 रहेगा उसका XOR लिखेंगे और वही मेरा B1 आएगा, ठीक है। अब B1 और G0 का XOR लेंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा B0, ये मेरा हो जाएगा बाइनरी में कन्वर्ट, ठीक है। जैसे हम पिछला ही एग्जांपल जो हम कन्वर्ट किए थे ग्रे में, उसका था 1 1, क्या 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 आया था, 1 1 1 0 आया था, ठीक है। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, तो 1 का तो 1 MSB लिखेंगे, अब 1 और 1, ठीक है, 1 और 1 का XOR लेंगे तो ये हमको 0 देगा, फिर हम 0 और 1 का XOR लेंगे तो हमको 1 मिलेगा, और 1 और 0 का XOR लेंगे तो हमको 1 मिलेगा, तो ये मेरा बाइनरी कोड मिल गया, ठीक है। तो 1011 जो मेरा बाइनरी कोड है 1011, उसका ग्रे कोड था 1110। तो सिमिलरली अगर हम ग्रे कोड 1110 लिख रहे हैं तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हमको मिल रहा 1011। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम यहीं तक सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक पर हम लोग कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।